डबल कोरोना पॉजिटिव और बिना किसी मेडिसिन, यानी कि ना एजिथ्रोमाइसिन 500, ना ही कोई एंटीबायोटिक, ना ही पैरासीटामोल वगैरह, और ना ही काली मिर्च, दालचीनी, अदरक वगैरह या सौंठ के काढ़े से किस तरीके से मैंने अपने आप को कोविड से रिकवर किया, इस सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार आदाब प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार भारद्वाज और मैं रहने वाला हूँ नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर। इस पर्सनल वीडियो व्लॉग में, यानी कि इस पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और किस तरीके से मैंने अपने आप को रिकवर किया कोविड से, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात शुरू करेंगे कि डबल कोरोना पॉजिटिव ये क्या है, क्या सच में डबल कोरोना पॉजिटिव ऐसा होता है क्या। एक्चुअली ये मेरी एक मजाकी सी टर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ यस इट वॉज समथिंग क्लोजर टू डबल कोरोना पॉजिटिव। ओके, तो हुआ यूँ कि 7th of May 2021 को मैं हॉस्पिटल गया वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन करवाई और वैक्सीनेशन करवाने से पहले उन्होंने कहा कि यूजुअल आपका कोविड का टेस्ट होगा। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। 7 तारीख को उन्होंने पहले मेरा कोविड का टेस्ट लिया और कोविड का टेस्ट लेने के बाद उन्होंने मुझे वैक्सीनेशन किया। और 7 तारीख को जो मेरा टेस्ट किया उसकी रिपोर्ट आई 12 तारीख को, और 12 तारीख को हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आता है कि जैसे बात है यू आर कोरोना पॉजिटिव, आपको कोई बुखार खांसी वगैरह तो कुछ नहीं है। यकीन मानिए तब तक मुझे कुछ भी नहीं था, आई वॉज नॉर्मल, मुझे कुछ भी नहीं था। इवन के जो 7 को मैंने वैक्सीन लगवाई, वो वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें बुखार रहता है, बॉडी में पेन रहती है, ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ, ना बुखार, ना सर्दी, जुकाम, कुछ भी नहीं, बॉडी पेन भी नहीं। तो बैक टू दैट कि 12 तारीख को जब उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको कुछ तो नहीं हो रहा, मैंने कहा नहीं अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, बट अभी जब आपने मुझे बोला दैट यू आर कोरोना पॉजिटिव तो अब मुझे कुछ हल्का हल्का लग रहा है, ऐसे बुखार टाइप और खांसी भी होने लगी। आई थिंक वो सिर्फ एक डर था कि जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया उस दिन, कि लोग इतने कोरोना से नहीं मरते हैं जितने उसके डर से मर जाते हैं। हर इंसान को ज़िंदगी अपनी प्यारी है, ऑब्वियसली ज़िंदगी कीमती है और डरना भी चाहिए, मगर उसका जो भय है ना, भय कि कोरोना हो गया मुझे, हे भगवान अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, अब ये वो, इंसान पता नहीं क्या कुछ सोचता है, वो यही सोचता है ज़िंदगी ख़त्म है, बट ऐसा है नहीं। ऊपर वाले ने अगर ज़िंदगी दी है तो उसको हम संभालें, हिम्मत रखें, डट के मुकाबला करें। ओके, ये सारी मेरी पर्सनल फिलॉसफी थी, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ से आगे मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने डबल कोरोना पॉजिटिव को हराया। ओके, सबसे पहले बात ये कि फरवरी 1 से 1 फरवरी 2020 से मैं लगातार कंटिन्यूसली योगा कर रहा हूँ। योगा सीखा भी यूट्यूब से नहीं, कहीं पे जाके कुछ योग टीचर्स, इनसे रिक्वेस्ट की, उनको फीस वगैरह देके उनसे सीखा। और योगा में मैं क्या क्या करता था, कौन कौन सी क्रियाएं, क्या चीज़, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो सुबह उठ के नॉर्मली गर्म पानी वगैरह पी के फ्रेश अप होके उसके बाद आप छोटी मोटी लूजनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह कर लीजिए, और उसके बाद कपालभाती, और कपालभाती से पहले सूर्य नमस्कार ये ज़रूर करें आप, उसके 3 राउंड्स, उसके बाद कपालभाती, उसके बाद अनुलोम विलोम जिसको नाड़ी शुद्धि भी कहा जाता है, और उसके बाद भ्रामरी, उसके बाद शीतली, और उसके बाद डीप रिलैक्सेशन टेक्निक जिसमें आ ओ और म, यानी कि आ ओम ओम जिसको बोलते हैं, ओम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, आ और म, उसके 3-3 राउंड्स। तो ये सब मैंने किया और कर रहा था फरवरी से, और
सुबह शाम करता रहा। मुझे था नहीं, मुझे लगता नहीं था कि मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप होगी, और कुछ माइनर सी मुझे हेल्थ इश्यूज भी थे जिसमें जिस वजह से मैंने ये योग सीखा, वो थे कि मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा रेज था, मेरे अबाउट 130-90 समटाइम्स 140-90 इतना रहता था। बट 3 महीने होने तक, यानी कि फरवरी मार्च और अप्रैल, और ये मई में मेरे साथ हुआ कोरोना पॉजिटिव, तब तक मुझे जो लगता है कि इस योग की वजह से जो सुबह और शाम में करता रहा, और हर सुबह शाम आधे आधे घंटे की वॉक जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ अच्छे अच्छे जंगल हैं और फ्रेश और ताज़ा हवा, बस यहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग में करता रहा सुबह शाम, और हुआ ये कि इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी हाई पे थी कि सिंगल क्या डबल क्या ट्रिपल भी अगर हो जाता तो आई एम श्योर कि मुझे कुछ भी नहीं होता। और यही मेरा एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए कि टाइम निकाल के, जैसे आप ब्रेकफास्ट के लिए टाइम निकालते हैं, लंच के लिए टाइम निकालते हैं, डिनर के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे ही आप टाइम निकालें आधा घंटा अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी जान के लिए। अगर आप सारी ज़िंदगी डिजीज़ फ्री रहना चाहते हैं तो इतना ही तो करना है, सिर्फ योग करें आधा घंटा, 30 मिनट्स योग करेंगे मोर देन एनफ। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते, 30 मिनट्स भी नहीं कर सकते, तो 15 मिनट ही कर लीजिए कपाल भारती और अनुलोम विलोम, इतना ही कर लो सुबह शाम, ये भी मोर देन एनफ है। Okay. तो यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि किस तरीके से मैंने कोविड को हराया, और योग इसका टिपिकल आंसर है, क्लियर कट आंसर है कि योग करें और निरोग रहें। योग आप करेंगे, आपकी जो एक्सेस फैट है जो आपकी बॉडी में जो चर्बी है, मोटापा है, वो भी कम होगा, एंड ट्राई टू बिकम सात्विक, वेजिटेरियन अपनाएं, उससे आप लूज बहुत सारा वेट कर जाएंगे, यानी एक्सेस फैट जो होगा ना वो लूज तो करेंगे ही करेंगे, मगर इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो, ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड आई होप कि आप योगा करके देखिए, मिनिमम लोग कहते हैं कि 6 महीने करो उसके बाद बेनिफिट्स मिलते हैं, बट मुझे लगा कि मैंने 3 महीने कंटिन्यूसली किया सुबह शाम, मुझे रिजल्ट्स मिले, अगर मुझे मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं। आप किसी भी किस्म की लाइफ जी रहे हैं, सिडेंट्री, हार्ड वर्क, फिजिकल, योग बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए योग बहुत ही ज़रूरी है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।